जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में पौधरोपण कर भाजपा के हर बूथ पांच वृक्ष अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक प्रधान एक निशान और एक विधान का सपना देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे अब सपने साकार कर दिए, ये उनके बलिदान और संघर्षों की जीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने संविधान में धारा 370 का प्रावधान कर आतंकवाद के बीज बो दिए, तब इस फैसले का पूरे देश में सबसे मुखर विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उन्होंने कश्मीर के परमिट सिस्टम के खिलाफ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज देश में हर व्यक्ति गौरवान्वित है कि कश्मीर में देश के सारे कानून लागू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के हर बूथ पांच वृक्ष अभियान को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों और सर्वे भवंतु सुखिनी सर्वे संतु रामया के भावना को जोड़ते हुए कहा कि ये उनके सपनों को पूरा करने का अभियान है। ये अभियान प्रकृति पर्यावरण और सृष्टि के प्रति जागरूकता का भाव जगाता है। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक देश में एक प्रधान एक निशान और एक विधान के उद्घोषक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 119वीं जयंती का कार्यक्रम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन सपनों को साकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। देश की आज़ादी के बाद जब कांग्रेस ने छद्म रूप से देश के संविधान में धारा 370 का प्रावधान करते हुए देश के अंदर आतंकवाद के बीज की नींव रखी थी, उस समय कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध प्रखर रूप से अगर किसी महापुरुष ने किया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। कश्मीर के परमिट सिस्टम को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया और आज उनका सपना साकार हुआ। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है और उसके बाद कश्मीर के अंदर भारत के सभी कानून लागू हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति आज गौरवान्वित है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार के इस कार्य के लिए। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह सपना साकार होना हम सब के लिए गौरव की बात है। आज जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 119वीं जयंती का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर पांच वृक्ष लगाने का जो अभियान प्रारंभ किया है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज हर बूथ पर पांच वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा रहा है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो सृष्टि के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के इस भाव को चरितार्थ करने का अभियान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने का एक अभियान है। मैं इस अवसर पर इस महापुरुष को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।